Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेज आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में पानी की किल्लत भी अब बढ़ गई है। मुंब्रा शहर में पानी के लिए लोग बेहाल हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। पानी का प्रेशर इतना कम है कि किसी को पानी मिलता है तो किसी को नंबर का इंतज़ार करना पड़ता है और पानी चला जाता है। शहर के नेता पानी के लिए दौरा किए कि पानी का प्रेशर बढ़ाया जा सके, और भी कहा जा रहा है कि 42 MD पानी बढ़ाने की भी मांग की गई है, मगर शहर में आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मुंब्रा के MTNL कंपाउंड में गाजी अपार्टमेंट में महीनों से लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। बोरिंग का पानी भी इन्हें मिलता है तो वो भी साफ नहीं मिलता है। मनपा का पानी 3 घंटे के लिए आता है, मगर प्रेशर कम होने की वजह से इमारत में 22 परिवार रहते हैं, किसी को पानी मिलता है तो किसी को नहीं। ऐसे में इन औरतों में शहर के नेताओं के खिलाफ काफ़ी गुस्सा भी आज देखने को मिला। वहीं नगर सेवक जफर नुमानी भी गाजी अपार्टमेंट पहुंच गए और गाजी अपार्टमेंट में एक ही पानी की पाइपलाइन है ऐसी जानकारी दी गई है, मगर दूसरी पाइपलाइन लगाने की ज़रूरत है ऐसा नगर सेवक का कहना है। मगर वहीं सवाल उठता है कि जब एक ही पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है तो दूसरी लाइन डालने का क्या मतलब होगा। एक पानी की पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, अगर दूसरी लाइन भी डाली जाएगी तो उसमें पानी कैसे आएगा। मुंब्रा शहर में पानी की सबसे बड़ी मुसीबत है पानी आने का टाइम जो है, उस टाइम पर भी पानी नहीं आता है, और जब आएगा तो लोगों को प्रेशर कम होने की वजह से पानी ही नहीं मिल पाता है। लोग परेशान होकर नगर सेवकों से इसकी शिकायत करते हैं तो नगर सेवक उन्हें आज ठीक हो जाएगा, कल पानी आ जाएगा, मनपा अधिकारियों से बात की गई है, पानी आ जाएगा, ऐसी तमाम दुनियादारी की बातें बताकर आगे चले जाते हैं। कई सालों से पानी पानी के लिए मुंब्रा के लोग परेशान हैं, मगर यह परेशानी अभी तक दूर नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि शहर के नेता पानी के लिए कड़क धड़क आंदोलन भी कर चुके हैं। पानी पुरवठा विभाग पर जाकर नेता कई बार कपड़े भी धुल डाले, मगर नतीजा वही निकला कि आज भी मुंब्रा शहर के लोग पानी के लिए परेशान है। MTNL कंपाउंड के गाजी अपार्टमेंट में औरतों के इंटरव्यू के दौरान नगर सेवक जफर नुमानी भी वहां पहुंच गए और औरतों ने क्या कुछ कहा है, जफर नुमानी ने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपकी बिल्डिंग का? गाजी पैलेस। आपका क्या नाम? रुखसाना। और पानी की क्या तकलीफ है यहाँ पर हो रही है? ये फरवरी से मीठा पानी यहाँ से आ ही नहीं रहा है, मीठा पानी बिल्कुल भी फरवरी से आ रही नहीं है। मम्मी मेरे ये बिल्डिंग देखती है, मम्मी मेरे 2 से 3 बार जफर नुमानी के पास गए, उन्होंने बोले कि 8-10 दिन की तकलीफ है, आ जाएगा, प्रेशर थोड़ा कम है, पर अप्रैल शुरू हो गया, हमारा रमज़ान शुरू हो गया, पानी कुछ नहीं आ रहा। एक दिन आता है, एक दिन के बाद अगर दूसरे दिन ट्राई करो तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता, और जो पानी आता है वो पूरी बिल्डिंग में 1-2 मिनट वो पानी का फुग्गा है वो भी नहीं भरता है, तो उसमें करे तो क्या क्या इंसान। कितने दिन से किल्लत है पानी की? फरवरी से किल्लत है, फरवरी से। इतने महीनों से पानी की परेशानी आप लोग झेल रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं उन लोगों से आप लोग मुलाकात किए? हमारी मम्मी जा रही है, बातचीत हो रही थी, जाके आ रहे थे तो वो बोल रहे कि चल लाइन नई लाइन चालू हो जाएंगी, पानी का प्रेशर कम थी, सबको हो रही है। अब इंसान क्या बोलेंगे, अब बोरिंग का पानी, फिर पानी कहाँ से पी रहे हैं आप लोग, इस्तेमाल कहाँ से कर रहे हैं, कौन सा पानी? 1-2 मिनट मिल रहा है उसी में गुजारा कर रहे हैं, पकड़ाना पड़ता है, पानी पकड़ाना पड़ता है, उसी में गुजारा करते हैं, नहाने धोने के लिए बोरिंग की लाइन है उससे यूज करते हैं, अब पीने के लिए तो जो 1-2 मिनट आता उसी में इंसान कर रहा है, कहाँ जाएंगे फिर। क्या यहाँ पर पानी की जो किल्लत है आप लोगों के पास ये लोग गए थे क्या? जी, मुझे एक लास्ट 1-2.5 मंथ से लोग फॉलोअप कर रहे हैं जफर नुमानी का, जो यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर है, लेकिन वहाँ से कुछ फीडबैक नहीं आ रहा। तो एक 3-4 दिन पहले यहाँ की एक मेरी कज़िन है, उन्होंने मुझे कॉल किया, बताया कि ये पानी की तकलीफ़ है जो 1-1.5 महीने से हम झेल रहे, और फिलहाल रमज़ान भी आ रहा है तो उन्हें मीठे पानी नहीं मिल रहे, तो हिसाब से उन्होंने मुझे कॉल किया,
और उसके बाद में मैंने फॉलोअप स्टार्ट किया तो मुझे यही सामने से फीडबैक आया कि न्यू कनेक्शन हमने डाल तक की है, उसकी टैपिंग बाकी है। जब यहाँ आने के बाद मुझे जब इंक्वायरी किया तो मुझे मालूम पड़ा कि न्यू कनेक्शन ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया है डाल के, जो अभी तक यहाँ पे टैपिंग नहीं हुई है। अगर इसी रमज़ान में अगर हमें पानी की दिक्कत दे रही तो आगे आगे कैसा चलता रहेगा? जो ये लोग ने जो कमेंट किया है, जो यहाँ पे जो प्रशासन है कि हम कुछ 100 करोड़ की कुछ पानी की लाइन लेके आ रहे, ठीक है, वो अभी तक आई नहीं तो आगे फिर कैसा होगा? तो यहाँ पर शकीला टावर में बहुत पानी की तकलीफ है, 2 महीने से हम बहुत तकलीफ ज़्यादा उठा रहे हैं। बोरिंग का पानी आता है, उसमें नाली का पानी आता है, रमज़ान का महीना है, मजबूरी से उसी से वजू करते हैं हम लोग। जफर रोमारी के पास बहुत बार गए हैं जफर भाई के पास में, तो वो बोलते हैं कि लाइन डाल दिया हूँ, 10 दिन सबर करो, 15 दिन सबर करो, जो ये बिल्डिंग संभालते हैं वो कई बार गए तो उनको यही बोल बोल के भेजे। हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा आओ रुक जाओ, जब वोट लेना होता है इन लोग को तो बराबर आते हैं कि हमको वोट दीजिएगा, हमारे पैर पड़ते हैं, आजिज़ी करते हैं। तो हम बोलते सही है, हम अपनी कांग्रेस अपनी समझ के हमने वोट देते हैं। वोट के वक्त ये लोग बहुत हमारे से बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब वोट लेके चले जाते हैं तो उसके बाद पहचानते भी नहीं, जब उनके पास जाते हैं तो रुको कुछ काम है ऐसा ऐसा बातें करते हैं। बताइए कैसा इंसान है, मतलब हमारी बात नहीं सुनते, ये रुकिए बस थोड़ी देर रुकिए, हम बाद में आएंगे, हम कर देंगे। पानी की तकलीफ है तो पहले मुझे बोलना चाहिए ना, अभी गए तो आपको लाइन जब वहाँ से आपकी टूटी थी बना करके दिए थे तब तो खाला बोले थे पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, खाला को बोलना चाहिए ना ये बात। 1 मिनट 2 मिनट का, अरे आपके बिल्डिंग में कितनी लाइन है? एक ही लाइन। एक लाइन में कैसा पूरा पड़ पड़ेगा? फ्लैट कितने? 21 घर। 21 घर में एक लाइन को नहीं पहले तो होता था सर, पहले होता था, पहले की बात आता, पहले पानी सुबह से शाम तक आता था, अब पानी 3 घंटा आता है, उसमें भी हम लोग एक एक मिनट पी रहे हैं सर। पहले आप समझ लीजिए कि हर बिल्डिंग में हर गली में पानी 3 घंटे आते हैं, पहले ऐसा टाइम नहीं रहा, हर गली में आपके यहाँ पानी आता है 3 से 6। अगर आप सुनिए ना पहली बात, और अगर पीछे की लाइन है ना जो रात की, हाँ 12 से 3 शरीफा रोड में 3 से 6 मुमरा और किस्मत कॉलोनी में 9 से 1 यही पानी का टाइमिंग है। लेकिन यहाँ 3 से 6 है लेकिन 3 बजे पकड़ता ही नहीं है, तो कितने बजे? 5:30 बजे पानी का प्रेशर डाउन है। बात सही है आपकी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, लेकिन आपको ये बोलने से पहले पहले मुझे बोलना चाहिए ना, कभी कहते हैं आप भाई कुछ पर्सनल फोन आया था मेरे पास, खाना मेरे पास नहीं आई थी, खाना जब लाइन टूटी थी तभी मुझसे कहा था, मैंने उनको अपने वो लड़का जो काम करा मैंने उससे लाइन ज्वाइन करके दे दिया। तो पानी गटर बनने की बात है, उसके बाद खाला ने मुझे कभी कम्प्लेन नहीं किया, खाला ने आपके पास आया था अभी बोले थे खाला ने जिन तारीख को यहाँ खाला ने नहीं बोले मुझे, आप कैसा बोलती खाला बुलाओ अभी पानी का पीछे प्रेशर डाउन है, रमजान में ही हमारी हर जगह मुसीबत है, हर रमजान में ही सब जगह आ रहा है, आपको नहीं आ रहे ना, यही तो मसला है, पीछे के पार्ट में कहीं पानी जाता ही नहीं है, आपने मुझे कंप्लेंट किया था पानी की, इन्होंने पानी का वो नहीं, मैं यहाँ तक के इनके पीछे लगा हुआ था, जो 6 की नई लाइन डाल रहे हैं वो जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करवा करके उसको कनेक्ट करके वो करो, ताकि वो रमजान के अंदर सुनिए एक मिनट खाला, एक मिनट, और वो डेली बात हो रही है वो 6 की लाइन वो लाइन ज्वाइन किया अभी लाइन ज्वाइन किए तो उसके अंदर कैसा है कि नीचे कटर की लाइन को आया था अभी उसको निकाल करके ऊपर लाइन ज्वाइन कर दिया, आप लोग तो वहाँ जाती नहीं है ऊपर से, वो सुनो उसके बाद वहाँ के लोगों ने बोला हमको लाइन ऐसा नहीं चाहिए, अब इसको वापिस से उखाड़ो, ऐसा घुमा के चाहिए, वापिस से उखाड़ी जा रही है, जहाँ से रोड पर नाला बंधा जहाँ मार्केट है, मार्केट में बिस्तर वाले का वो काम चालू है गटर का और रोड का, पाइप को उखाड़ दिया उसने 3 दिन पहले, फिर उखाड़ दिया, उखाड़ करके 2 पाइप निकाल दिया, अभी क्या बोलता है 2 दिन वेट करो। लेकिन जफर भाई सही है, जिस तरह से हो रहा है, पाइप लगाया जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, दोबारा लगाया जा रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा 4 बार 5 बार आम जनता पानी के लिए ऐसे ही तरसती रहेगी? मैं एकदम साफ लफ्ज में कहता हूँ, मैंने बार बार पानी प्रोडक्ट को अभी 4 दिन पहले मैं शानू पठान साहब हम लोग जा करके बोल कर गए हैं,
पीछे का जो आप पार्ट लोग है, यही करते हैं बार बार सिर्फ जाके बोल के आते हैं और होता कुछ नहीं है। हम अपने ऊपर के आला अधिकारियों को बोलते हैं कि भाई पानी का प्रेशर पीछे नहीं जा रहा है। आप बोलते हैं 47 MLD पानी बढ़ गया है फिर भी पानी नहीं जा रहा है। हम बोलते हैं साहब 45 MLD आ रहा है, 2 MLD पानी और कम हो गया। पूरे मुमरा का यही आला, चांद नगर में नहीं जाता, हमारे यहाँ इंशा नगर में अंदर पानी नहीं जाता, इधर पीछे नहीं जाता। मैंने आवाज साहब को मैसेज भी डाला, आप लोगों में एक बैठक भी हुई है, 45 MLD पानी बढ़ाने की भी बात कही गई है, 51 बढ़ाने की बात भी की गई है, लेकिन कहाँ कैसे पानी आ रहा है, प्रेशर ही नहीं है, लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जब हमारी कैसे कैसे लोगों को पानी मिलेगा, इस हालत में लोग अनाज खरीद के खाएं या पानी का बिल भी भरे या पानी भी खरीद के पिए। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए इस्लामुद्दीन भाई, हम महानगर पालिका के ट्रस्टी है, हमको पानी की जितनी तकलीफ होती है हम जाकर के ऊपर बोलते हैं कि भाई पानी पीछे के पार्ट में नहीं जा रहा है, चाहे वो किस्मत कॉलोनी हो, चाहे वो चांद नगर हो, चाहे वो कादर पैलेस हो, चाहे वो इंशा नगर हो, चाहे MTNL का, पीछे के पार्ट में पानी का प्रेशर ज़रा भी डाउन होता है तो पानी नहीं जाता। ये बात बिल्कुल सही है, ये इसमें मैं कोई वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन हम जब वहाँ पर बोलते हैं कि पानी, अभी हम देखो यहाँ के जो हमारे अधिकारी है उसको कोविड है, अब हम उसको फ़ोन लगा रहे हैं, कोविड में परेशान है, बोलता है हमको कोविड हुआ है, उसका फ़ोन ही ऑफ बता रहा है। दूसरी बात यह है कि हम बार बार कहते हैं जब रमजान आता है तो हम बोलते हैं साहब गर्मी आ गई है, रमजान जगह पर कोई आया होगा ना जिम्मेदारी संभालने की, कोई नहीं, राणे साहब है, हमने जाकर के वहाँ पर थाना में फिर कंप्लेन किया, 4 दिन पहले कंप्लेन किया अभी कि भाई पानी का प्रेशर डाउन है पानी का। लेकिन मुमरा में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बार पाइप लगाया गया फिर उखाड़ा गया, ऐसे ही चलता रहेगा, मॉडलिंग का पाइप है, नई पाइप की लाइन है वहाँ पर, नई पाइपलाइन कितने दिनों से बिछ रही है, कितने दिन से बिछ रही है, पानी की लाइन काफी दिनों 6 महीना से बिछ रही है, लेकिन उसमें कितना दिन लगना चाहिए, 6 महीना नहीं हुआ है। जो पुरानी लाइन थी, पुराना हमारे पास 2 फाइल, एक यहाँ से लेकर के अपना कौन सी बिल्डिंग, सॉरी खतीजा तक, खतीजा से फिर एक MTNL कंपाउंड से लास्ट में रोड पर डालना था, तो ये पुरानी लाइन तो हमने डाल दिया था पिछली, उसके बाद 2 साल से कोविड है, कोविड की वजह से हमको बजट ही नहीं मिला, काम हो ही नहीं रहा, पाइप 6 महीने से बिछ रहा है ना, साल पाइप 6 महीने से नहीं, पाइप की 2 फाइल है, आप समझने की कोशिश कर रहा है, वो साल भर से सुन लीजिए, 2 फाइल है, एक फाइल हमने साल भर हो गया पाइप पानी बना था ना रोड तभी डाल के रखा, एक लाइन हमने दो दिन, दूसरी फाइल के लिए हमने भरपूर कोशिश की, उसका बजट ही नहीं आया, बजट नहीं आया, तो अभी जो रीमॉडलिंग में आया, रीमॉडलिंग में हमने पाइप डाला, पाइप डालने के बाद ज्वाइंट होने के बाद वहाँ के लोग आए बोले भाई नहीं ऐसा नहीं, अब इसको निकालो इसको, मैं बोला अरे भाई लाइन ज्वाइंट होने दो, एक बार चालू हो जाने दो फिर देखेंगे, नहीं बोले नहीं, फिर उसके बाद पूछो दलीम भाई को, उन्होंने लाइन, हाँ लाइन एक्चुअली, फिर हमने निकाल दिया उसको, निकालने के बाद अभी वहाँ नाले का काम चालू है, नाले के काम वाले बोले भाई 2 दिन रुको हमारा काम हो जाता है फिर डालो, ठीक है। अभी डबल लाइन लेने के लिए बोले तो क्या करेंगे आप लोग, पानी का जो प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग के यहाँ पे, जो मेन हम लोग क्या कर सकते, सलीम भाई करने वाले जो नगर सेवक है बोल रहे हैं एक लाइन में आप लोगों को पानी नहीं पूरा पड़ेगा, ये पाइप 2-3 साल पहले ही खर्चा करे 60-70 हज़ार नहीं है देने के लिए, अभी हम आप सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, सबकी हालत बुरी चल रही है, तो हम लोग उस टाइम देखा जाएगा क्या है नहीं है करके, अभी हम लोग एफर्ट्स नहीं कर सकते सर, हम लोग भी गरीब इंसान है, कोई इतना मालदार पार्टी नहीं जो पैसा डालेंगे, ये लाइन पे पुरानी लाइन के लिए भी हम लोग ने पैसा डाला है, बीच में रोड टूटता ये टूटता, किचन तो हम ही बनाते, कोई बना के ना, छोटी मोटी चीजें हम लोग ही करते।